स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जेपी दत्ता सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कई बॉलीवुड के स्टार्स को सुपरस्टार बनाया। इनकी कई मूवी देशभक्ति पर रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज में रही हैं गुलामी, जो कि सुपरहिट मूवी रही, बॉर्डर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रही, और बंटवारा। जेपी दत्ता सर जी का पूरा नाम है ज्योत प्रकाश दत्ता। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1949 को बंबई में हुआ। इनके पिताजी का नाम ओपी दत्ता है और इनकी शादी बिंदिया गोस्वामी जी के साथ में हुई। इनके डायरेक्शन बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी 1985 में, जिसका नाम था गुलामी। इस मूवी में धर्मेंद्र, नसरुद्दीन शाह, रीना राय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1988 में यतीम, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, फरहान आज, कुलभूषण खरबंदा, डैनी डेंजम्पा, अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1989 में बंटवारा, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो, शम्मी कपूर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1989 में हथियार, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, आशा पारिक, ऋषि कपूर, कुलभूषण खरबंदा लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1993 में छत्री, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल, सुनील दत्त, मीनाक्षी सचदेव, दिव्या भारती और रवीना टंडन थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1997 में आई थी बॉर्डर, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट थे। जिस मूवी का बजट 10 करोड़ था, भारत में 39 करोड़ 46 लाख की, दुनिया में 52 करोड़ 61 लाख की कमाई की। बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी 2000 में आई थी रिफ्यूजी, इसको देवी जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2003 में एलओसी कारगिल, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, रानी मुखर्जी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2006 में उमराव जान, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शबाना आजमी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बदकिस्मती बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2018 में पलटन, इसको जेपी दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, मोनिका गिल, ऐशा गुप्ता लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये जेपी दत्ता सर जी का डायरेक्टिंग करियर बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें से कौन सी इनकी डायरेक्शन बनी वाली कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस का या फिर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।